का, भगवान का आश्रय लो, भगवान को पुकारो। और यह एक साधनात्मक सूत्र भी मिल गया, जब हमारे मन की अच्छाइयों पर बुराइयां विजय पाने लगे तब भगवान को ही पुकारना चाहिए। प्रभु, मैं समझता था कि सद्गुणों के बल पर सब कुछ हो जाएगा, पर सद्गुण भी आपकी कृपा से ही कार्य करते हैं, सद्गुणों को भी आपकी शक्ति चाहिए। अजब, आप जरा सोचना, हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम है, कोई संदेह नहीं, सकल गुण निदानम है, कोई संदेह नहीं, पर सुग्रीव जी के साथ शुरू से रहे, पर जब बाली ने सुग्रीव को मारपीट करके भगाया निकाला, अच्छा थोड़ा बहुत नहीं मारा, रिपुसम मोह मारे सी अति भारी, मेरे बड़े भाई ने शत्रु की तरह मुझे बहुत मारा, मेरा सब छुड़ा लिया। और सूर्य भगवान ने हनुमान जी से यही कहा कि क्या चाहते हो, हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आपने ज्ञान दिया है, दक्षिणा बता। कहा कि दक्षिणा यही है कि मेरे अंश से वानरों में सुग्रीव जी का जन्म हो रहा, तुम उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना। और हनुमान जी इसी उद्देश्य से आए हैं और इतने दिन से हैं। आप सोचिए, जब बाली से सुग्रीव पिटते रहे, सुग्रीव भगाए गए, तो हनुमान जी कहीं बाहर गए थे? आप सोचो, हनुमान जी वहीं थे कि नहीं? पर सुग्रीव को भगाए तो हनुमान जी चलो साथ साथ, एकांत में चलो, एकांत में। अब इसका अर्थ आप यह मत लगाने ना कि हनुमान जी से कुछ नहीं बनता, बेकार हम लोग हनुमान जी की पूजा बंद कर दें और पाठ, यह नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी साथ बने रहे और सुग्रीव की दुर्दशा होती रही, सुग्रीव दर दर भागते रहे और हनुमान जी साथ हैं, सुग्रीव पिटते रहे हनुमान जी साथ हैं, सुग्रीव जी परेशान रहे और हनुमान जी साथ हैं, क्यों? क्या सकल गुण निधानम कुछ नहीं कर सके? तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, यह प्रसंग केवल एक शिक्षा देने के लिए है और हम लोग भी इस शिक्षा को स्वीकार कर लें। क्या? तुलसी राम सुदीठते सबे होत बलवान। हनुमान जी को जब तक राम जी नहीं मिले तब तक हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, क्यों? श्री सीता जी का हरण करके रावण ले जाता रहा तो भी तो हनुमान जी थे वहां वानरों के संग, और सीता माता ने राम राम कहा, राम पुकारी हम ही देख दीनिस पट डारी, चलो सुग्रीव नहीं गए तो हनुमान जी ही जाते। पर तुलसीदास जी कहते हैं यह कथा केवल इतना ही संदेश देती है कि तुलसी राम सुदीठते सबे होत बलवान, बाली बैर सुग्रीव सो कहा कियो हनुमान। और इससे प्रेरणा क्या लें कि सकल गुण निधानम भी तब तक कुछ नहीं कर सके जब तक राम जी का पदार्पण नहीं हुआ। तो ये कथा केवल इतनी ही शिक्षा देती है कि हमारे सद्गुण भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि भगवान का पदार्पण हृदय में नहीं होगा, भक्ति पूर्वक भगवान नहीं। इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है, केवल गुणों से काम चल जाता तो प्रार्थना की जरूरत क्या थी। लेकिन फिर मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सद्गुणों की कोई जरूरत ही नहीं। कुछ लोगों ने इसका ही अर्थ लगा दिया कि फिर सद्गुणों की क्या जरूरत, भगवान सब करेंगे, भगवान सब करेंगे। नहीं, भगवान ने उन्हीं हनुमान जी से कराया सब। तो सद्गुण तो बड़े जरूरी हैं, तो सद्गुणों को तो अपने जीवन में लाना ही है, लेकिन सद्गुणों का अभिमान से मत जोड़ना। सद्गुण तब काम करेंगे जब सद्गुणों को आप भगवान से जोड़ेंगे। तो केवल प्रार्थना नहीं, सद्गुण भी साथ हो। पृथ्वी माता अकेली नहीं गई, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा,
और पृथ्वी माता सुमति, तो सुमति संपन्न कौन जो ऐसी विपत्ति के काल में सब सदगुणों को इकट्ठा करके बुद्धिजीवी ब्रह्मा जी के पास जाए कि इतने सदगुण होते हुए भी यह हो रहा है, इतने मुनि हैं, इतने महात्मा हैं, इतने ऋषि हैं, तो कहीं ऐसे न कहने लगा कि काय के ऋषि मुनि, वो तो सब झूठे थे, रावण सफल होता रहा तो कोई ऋषि मुनि कुछ नहीं कर सका। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सके, पर सच्चाई जीवन की यह है कि सदगुणों की महिमा कम नहीं है, पर ये बिना भगवान के कुछ नहीं कर सकते। जैसे पंखा हवा देता है, बल्ब प्रकाश देता है, तो पंखा बेकार है क्या? अगर बेकार होता तो हवा कैसे देता है ना? लेकिन यह सही है कि पंखा हवा तो दे सकता है पर बिना बिजली के नहीं। अच्छा, बिजली आने पर हवा पंखा ही देगा? अगर बिजली हवा दे पाती तो बिजली तो सब जगह थी, क्यों नहीं दे पा रही? तो हवा तो पंखा ही देगा लेकिन बिजली से जुड़ने पर। बस ठीक इसी तरह कल्याण तो हमारे जीवन का हमारे सदगुण ही करेंगे, पर भगवान से जुड़ने पर यह जीवन का सत्य है। हमारी करुणा, दया, अहिंसा भगवान से जुड़ जाए। और वही ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि जब सदगुण भी कुछ न कर पा रहे हों तो भगवान से जुड़ना चाहिए, यही जीवन का सत्य है। तो क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, भगवान को पुकारो, प्रार्थना करो। दया अवतोलो व्यर्थ नहीं जाती। निर्मल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, भगवान को पुकारे, पूरे विश्वास के साथ पुकारे। देखो, किसी चीज का नहीं दिखाई देना यह सिद्ध नहीं करता कि होता नहीं है। हवा नहीं दिखती पर होती है। एक सज्जन बोले, भगवान तो सब जगह है, कण कण में व्यापक है, व्याप्त है, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत? दूसरे ने कहा, बात तो सही है,
जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत हो। दूसरा आदमी बोला कि हवा भी सब जगह है, फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत है।